Welcome to my channel BRS Diversion and welcome to some more GDA Online. तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और GDA Online के एपिसोड में। तो मैंने देखा कि GDA Online में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना GDA Online में कुछ और बनाया जाए। और भी हम जैसे GDA Online इतनी बड़ी चीज़ है ना, इतना बड़ा गेम है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आज जैसे कि कुछ दिन पहले GTA 5 का गिव अवे चल रहा था जिसमें मुझे बहुत सारे कैश मिले हैं, एक तरह से मुझे $2,50,000 मिले हैं। तो मैंने प्लान किया है कि एक प्रॉपर्टी खरीदनी और कैसे भी करके खरीदनी है। तो मैं पहले पार्क करूंगा और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस GTA 5 में। जिसको नहीं पता है कैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो तो देख ही लेंगे, और ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ी गलती हो सकती है। इंटरनेट खोल लेता अपना। ओके, तो शायद मेज बैंक में एक प्रॉपर्टी वाला समथिंग होता है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी मैप जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शायद ये प्रॉपर्टी मैप हो। परचेज अ फैसिलिटी टू गेन एक्सेस टू द डूम्सडे हाइस। ऑब्वियसली आपको डूम्सडे के लिए, अगर आप डूम्सडे करना चाहते हैं तो आपको फैसिलिटीज़ खरीदनी पड़ेगी। जयादीप लेफ्ट, व्हाट्स अप ड्यूड, तो वो इंडियन था दोस्त, मेरे GTA 5 में इंडियन देख लिया। अरे देवा, ओके इंडियन बहुत है, वैसे मजाक नहीं कर रहा, बट एक्सबॉक्स में मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इंडियन मिलेगा। कोई बात नहीं, ओके हियर वी गो। तो हम हैंगर्स फैसिलिटीज़ खरीद सकते हैं शायद, क्योंकि एक तरह से हमें खुद का घर चाहिए। तो फैसिलिटी क्या होता है, एक तरह से आपका वो खुद का घर नहीं होता है। सो इसमें डिस्काउंट चल रहा है, बाप रे बाप, $1 million से खरीदा रे देवा। बहुत ज़्यादा होता है, ये 2 लाख है, इसका थोड़ा सा कम है। ये भी एक तरह से क्लब हाउस है, सॉरी ये क्लब हाउस है, तो $2 लाख है इसमें, तो कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो पर क्लब हाउस खरीद के मैं वहाँ पर रह तो नहीं सकता ना, तो मुझे बंकर्स में देखते हम क्या क्या कर सकते हैं। बंकर्स वाले में फार्म हाउस बंकर अ ग्रैंड सिनोरा इकोसिस्टम कम्स इन 3 tiers, दे वांट टू बी हिप्पी स्टेजिंग अ मेरा फायर फेस्टिवल व्हाटएवर। तो नहीं यार, मे भी शायद मैं इस बंकर में भी ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हैंगर्स में क्या आता है, मैं सारा अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। और मैंने प्लान की एक हाई क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी खरीदनी दोस्त, तो मेरे पैसे जैसे कि मुझे लॉटरी के पैसे से खरीदने वो अलग बात है। मैंने बहुत कम जॉब की है इसमें, मैंने जितने भी जॉब किए मुझे सिर्फ $20,000 $14,000 वैसे मैंने कमाए थे। तो मेरे कुछ पहले के सेविंग्स मिला के अभी $3,55,000 हो गए मेरे, 900 को छोड़ के, वो भी है एक तरह से, तो सारे बैंक में वो अलग बात है। ओके, तो मेज बैंक में कुछ खास खरीदने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। प्रॉपर्टी के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर मैं फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करता तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर डायनेस्टी 8 वाला समथिंग है, तो मे बी यहाँ से शिट बाहर क्या हो रहा है, रुक जा मेरी गाड़ी को किसी ने, व्हाट द हेक, मेरी लोग थोड़ा सा अपना पेशेंस भी नहीं रह सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, वेट वेट वेट, मुझे पार्क करना है। शिट, इन्होंने मेरा पीछे का तोड़ दिया है विंडशील्ड, कोई बात नहीं। ओके, तो हम फिर अपना फ़ोन खोलेंगे और ये जॉब मिला है मुझे, स्टंट रेस नो, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ दोस्त। ओके, तो डायनेस्टी में हम खरीद सकते हैं स्टॉक एलिटस डायनेस्टी 8 प्रॉपर्टी में हम खरीद सकते हैं। ओके, करते हैं क्लिक, फ्यू प्रॉपर्टी लिस्टिंग करते हैं, तो $1 million की तो नहीं कर सकता ना मैं, कस्टम अपार्टमेंट है, कोई बात नहीं। तो लो एंड में पहले देखते हैं, क्या पता लो एंड क्यों कहा दो, 1,21,000। ओके, ये खरीद सकते हैं हम पैलेटो, पर ये बहुत गरीब वाला है यार, मतलब GTA 5 में आपके सारे पैसे और आप इसमें घर में लगा दो, ये सही नहीं है। सो मे बी मैं इतना कम वाला भी नहीं खरीदूँ, तो मीडियम में देखते हैं, मीडियम में भी 1,75,000 है, ये थोड़ा सा माइकल जैसा कह रहे ना, नहीं माइकल से, माइकल का भी थोड़ा सा हाई एंड है। तो हाई एंड में सब इमारतें हैं दोस्त, इमारतें वाले बिल्डिंग से हाई एंड आपको सारे बड़े बड़े मिलेंगे। तो हाई एंड में मैं, मेरे पास 3,55,000 है ना, तो मैं उसी से कुछ ना कुछ खरीद, 3,81,000 आ चुका है, 73 शायद, नहीं ये तो नहीं हो सकता 82 वाला। ओके, 35, तो मे बी मैं ये खरीद सकता हूँ। तो मैंने, मुझे लग रहा है कि मुझे ये खरीदना चाहिए नॉर्थ लॉस एंटर्स में, तो मुझे लगता है कि मुझे खरीद लेना चाहिए। ओके, लेट्स बाय दिस प्रॉपर्टी माय बेट, सो दिस इज गोना बी फ्रीकिंग ऑसम। परचेज प्रॉपर्टी करते हैं, उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्लिक करने की देरी है बस। ओके, थोड़ा मैंने सोचा उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया दोस्त, और मुझे मैकेनिक भी मेरा मिल चुका है, ऑब्वियसली उस गैराज में मैकेनिक भी होगा, तो मैं एक्साइटेड हूँ, जल्द से जल्द चलते अपनी उस प्रॉपर्टी में जहाँ हमने खरीदी। ओके, तो मैं मार्क कर लेता एक तरह से, तो मेरे पास एक तरह से फास्ट ट्रैवल करने वाला, हाँ ये है इंट्रैक्शन मेन्यू, भूल गया था, विजल प्लाजा जैसे कि हमने लोकेशन देखा था वहाँ पर ही है, तो चलते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो कैसा होगा मेरे पास, मुझे पता है मैंने अभी तक अच्छे कपड़े ज़्यादा कुछ खरीदे नहीं है, बट मैं आपसे वादा करता हूँ मैं GTA Online जितना प्रोग्रेस करूँगा एक एक महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगा दोस्त। तो लेट्स फ्रीकिंग डू दिस। ओके, यहाँ से हम लेफ्ट ले सकते हैं, तो मेरा प्लाजा ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं, हम पहुँच सकते हैं। इसमें ट्रेजर एंड बहुत सारे आते हैं GTA Online में, और मैंने
ट्रेजर एंड एक करने गया था मैं, बट मुझे कुछ खास वहाँ पर मिला नहीं, तो एक तरह से मैं कन्फ्यूज़ हो गया था और मैंने उसको किया नहीं था। कोई बात नहीं यार, GTA ऑनलाइन में यही तो एक तरह से आपकी ज़िंदगी है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 का ऑनलाइन कैसा होगा मुझे नहीं पता, वो इससे भी बड़ा होगा इतना पता है। उसमें भी जॉब्स होंगे, उसमें भी आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, वो अलग बात है। अगर आप रेड डेड 2 खरीदते हैं तो आपको GTA में $5 million कैश मिलेगा, तो मैंने तो खरीदी है तो $5 million कैश ही मिलेगा। ओके तो आगे से मुझे राइट लेना है। यहाँ पर मेरा विजल, ओके यहाँ पर पहुँच चुके हम विजल प्लाजा। ये आप इमारत देख रहे हैं राइट में बड़ी सी, ये मेरी पूरी इमारत है, प्रॉपर्टी मेरी दोस्त। ओके आराम से दोस्त, मैंने इस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब दिस $3,35,000 कम नहीं होते दोस्त। ओके हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो ये एक तरह से गराज वाला पार्ट है ना शायद, तो मैं ओके तो यहाँ पर मुझे पहले बार तो मुझे याद आया कि एक बंदा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे इसको म्यूट कर रहे हैं। व्हाट द हेक, इतना कौन बोलता है रितिवा। मुझे पता है आप लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा, पर फिर भी मैं मुझे सुनाई दे रहा है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। ओके हियर वी गो, तो हम पहुँच चुके हैं, तो मैंने इसको एग्जिट करना है, उसके बाद देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके ये गराज है दोस्त, फ्रिकिंग गराज यार, लेस्टर का कॉल मत आएगा ना। ओके ये रही हमारी गराज, अभी तक अब अंदर का दिखा नहीं आपने अभी तक, ये थोड़ा सा बाहर का हिस्सा है, अंदर का और हाईफाई है मुझे लगता है। ओके हियर वी गो, मैं दिखाने वाला आपको, देख रहे हो आप अभी $3,35,000 का, $1,000 का ये बड़ा सा मेरा प्रॉपर्टी, जिसमें आप देख सकते हैं गराज है। भले मेरे पास एक परमानेंट जॉब नहीं है, मैं जल्द से जल्द जब मैं ज़्यादा वो करूँगा, ज़्यादा मेरा लेवल अप होगा तब मैं कर पाऊँ। जैसे कि मैंने देखा लेवल 12 में आपका हाइस्ट खुलता है, तो अभी मैं लेवल 10 में हूँ, और दो लेवल चाहिए, तो मैकेनिक कॉस्ट $50 अ डे। ओ वेट, ओ फ्रिकिंग मेन, मतलब मुझे रोज़ जॉब करने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं मैकेनिक मुझे निकालना पड़ेगा। ओके सो ये मुझे अच्छा लग रहा है। व्हेन स्टोर अ व्हीकल इन अ गैराज ट्रैकर विल बी फिटेड टू इट, ओ एक तरह से ये आपका गैराज ऑटोमेटिकली किसी भी व्हीकल में अगर आप चलते हो तो वो फिट कर देगा। यार लेस्टर का कॉल आ रहे देवा, बोल यार मैं थोड़ा सा गैराज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, भले यहाँ पर कुछ नहीं है बट यहाँ पर एक्सप्लोर करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। टू लीव द गैराज वर्क टू द एग्जिट और गेट इन अ व्हीकल एंड ड्राइव आउट। ओके तो सामने मेरे सामने आई थिंक कुछ है जिसमें मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, एक्सेस द व्हीकल मैनेजमेंट मेन्यू। तो मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, तो यहाँ पर टीवी भी दोस्त, तो एक तरह से मैं टीवी भी देख सकता हूँ अपने गराज। ओके टीवी चलाते रहते हो। ओके तो जैसा कि ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहता, ये क्या है GTA 5 का शो है आई थिंक सो, ओ नो मे बी नॉट। ओके तो कोई बात नहीं, तो मैंने टीवी चला के रख दिया, ऐसे बोलते पैसे ज़्यादा होते तो बिजली का बिल का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सेमिनॉल मेरी एक व्हीकल थी जो दुख भरे एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम चलेंगे अपने प्रॉपर्टी में, मेन प्रॉपर्टी में, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट से जाने से मुझे मिल जाएगा, तो चलते हैं। यहाँ से शायद हम अपनी प्रॉपर्टी जा सकते हैं। ओके हियर वी गो, तो यहाँ से हम अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी, तो अभी भी दोस्त थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, और अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं ऑसम सी मेरी प्रॉपर्टी। तो इतनी बुरी नहीं है मुझे जितना लगता है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आ चुका है आपका प्रीवियस स्क्रीन में, अभी तक मैं एंटर नहीं किया हूँ, बट ये ऑसम है। CCTV भी देख सकता हूँ मैं, क्या बात है मेरे, मतलब कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्या बात है दोस्त। यू विल स्पॉन इन योर अपार्टमेंट व्हेन जॉइनिंग GTA ऑनलाइन, दिस कैन बी चेंज्ड इन द पॉज मेन्यू। ओके मतलब जब भी मैं GTA ऑनलाइन एंटर करूँगा या स्पॉन करूँगा तब हमेशा मैं अपार्टमेंट में मिलूंगा। जैसे कि मेरे पास पहले प्रॉपर्टी नहीं थी तो हमेशा मैं सड़क पे मिलता था, बट अब मुझे लॉटरी की वैसे मिले दोस्त, गिव अवे जो कि रॉकस्टार गेम से दिया। अबे यार ये लेस्टर कॉल में उठा ही लेता हूँ। ओके तो कार्ड, अरे शिट कितना कॉल करता रही थी भाई ये, कोई नहीं अब टीवी ऑन है। डूम्सडे आइज मुझे पता है यार, इसका मुझे डायरेक्ट सुनना नहीं, वैसे अगर खत्म हो जाए ज्यादा जल्दी अच्छा रहता है। इतना बड़ा टीवी यहाँ पर एक्सबॉक्स के साथ खेलने में मजा ही कुछ और होगा दोस्त, 4K वो तो 4K दोस्त, ओ क्या नजारा है दोस्त, सबसे बेस्ट नजारा मिल रहा है मुझे मेरे और प्रॉपर्टी से, मुझे मस्त लग रहा है। ओके तो यहाँ पर हम बॉन्ग के मजे ले सकते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। ओके तो थोड़ा सा मजा लेते रहे थे, तो फर्स्ट टाइम बॉन्ग के मजे कैसे लगते हैं वो देखना है मुझे, कैसा लगता है। वैसे मैंने कभी ली नहीं है बट लूंगा भी नहीं मैं, बस मैं देख रहा हूँ कैसा लगता है कि GTA 5 में हम सब कुछ कर सकते हैं, वही तो चीज़ है जी गेम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर ओवरडोज ना हो जाए बस मुझे ये डाउट है। ओके खांसने लग गया रे देवा, बस मुझे उम्मीद है कि मेरी हेल्थ सही रहेगी मेरे मेरे कैरेक्टर की। ओके तो यहाँ पर पूरा पीला पीला हो रहा है, रॉन कौन है अभी, सब कुछ हेजी हेजी हो रहा है रे देवा, तो मुझे लगता है आई थिंक कुछ यहाँ पर पानी वानी के लिए है, मुझे तो हेजी लग रहा है देवा, ये रॉन शट द एफ अप मैन। ओके मुझे बातें नहीं करना अब।
ओके तो यहाँ पर आई थिंक करेले का जूस है शायद ना. ओके तो लेट्स ग्रीन जूस जो कि करेले का जूस ही होता है. ओके यार कितना हेजी हो गया है, मतलब पहली बार थी तो खतरनाक डोज लग गया है. ओके ये रहा मेरा पहला डोज करेले के जूस का. ओके तो मुझे और लेना चाहिए क्योंकि ये नशा जा नहीं रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से. यहाँ पर बहुत सारे मिशन आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस दे सकते हैं तो मैं करूँगा, जल्द करूँगा. ओके तो अभी धीरे धीरे चले जाएगा मेरा जो वो है, क्या बोल सकते हैं मतलब हेजी पन जो भी है, व्यू भी मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ दोस्त. ओके काफ़ी ज़बरदस्त है वैसे, ख़राब नहीं है, मुझे मज़ा आया, ये बेस्ट था दोस्त, बेस्ट मज़ा आ गया. ये प्रॉपर्टी बेस्ट है मैंने अभी तक खरीदी, तो और भी मैं खरीदूँ आगे चल के, कस्टम अपार्टमेंट नहीं खरीदूँ जिसको मैं कस्टम कर सकता हूँ, पर ये कस्टम अपार्टमेंट नहीं है, कोई बात नहीं. ओके यहाँ से हम टेलीस्कोप भी यूज़ कर सकते, तो अब मेरा हेजी पन जा चुका है, अब मुझे सब दिख रहा है. ओके फ्रेकिंग ऑसम, तो नशे गए हिट बॉन्ग के. ओके तब और एक्सप्लोर करते हैं यार. एजेंट 14 कौन है रे देवा, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, एक तरह से आप जब लेवल अप करते हो तो आपको ऐसे कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं. तो उतर ये एग्जिट करने के लिए ना, सॉरी मुझे याद नहीं था कि एग्जिट करने के लिए, तो यहाँ पर एक रूम है तो इसको एक्सप्लोर करते हैं. ओके ये मेरा रूम है, मेरे पास अब खुद का लैपटॉप है दोस्त, फ्रेकिंग लैपटॉप है जो कि मेरे पास पहले नहीं था. ओके यहाँ पर मैं हाइस्ट की प्लानिंग कर सकता हूँ. ओके मुझे पहली बार पता चला कि पहली बार मैं आया क्योंकि अपने प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पर हाइस्ट प्लानिंग, पर हाइस्ट प्लानिंग के लिए आपको लेवल 12 होने की ज़रूरत है. सो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप GTA 5 ऑनलाइन खेलते होंगे, तो कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ पर देख लिया. अब मुझे देखना अपना मेरा बेडरूम का है, मेरा बेडरूम मुझे अभी तो मिला नहीं है, सो मे बी यहीं कहीं हो. तो मेरे आउटफिट मुझे पता है इतने बेहतरीन नहीं है, मैं कब से एक ही आउटफिट घूमे जा रहा हूँ पहन के, मुझे पता है, बट सून मैं महंगे महंगे कपड़े खरीदने वाला दोस्त, चल GTA 5 ऑनलाइन में. ओके जिसमें वो अच्छा लगे, व्यू मस्त है, बट मुझे अपना बेडरूम नहीं मिल रहा है, तो शायद मे बी नीचे की तरफ है शायद, लेट्स सी एक्सप्लोर करते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बेडरूम हो ही नहीं सकता कि मेरा हो ही ना ऐसे. ओके हियर वी गो, तो इसे बोलते हैं आलिशान मकान या बिल्डिंग, इमारत बोल सकते हैं. ओके यहाँ से भी काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है. डिस्पैच 4 का यहाँ पर मैसेज है. ओके ये क्या है, ओके ये बाथरूम है रे देवा, और इसमें मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ रे भाई, वो भी फर्स्ट पर्सन मोड में, व्हाट्स अप फ्रीकिंग ड्यूड. ओके दैट इज़ इनसेन, मैं अपना कलर हेयर भी डाई कराने वाला हूँ जल्द, तो मैं पहले नहा लेता हूँ क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है GTA 5 में शावर कैसे लेते हैं. ओके हियर वी गो, ओके हियर वी गो, तो यहाँ पर मैं गाना गा सकता हूँ. क्या बात है दोस्त, फ्रीकिंग ऑसम. अगर आप साइन सिंग इनटू योर हेडसेट टू अर्न RP, क्या बात है, आप मतलब गाएंगे तो आपको RP मिलेगी, सोचे रेपुटेशन दोस्त. ओके कोई बात नहीं, मतलब इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मिलता है GTA 5, मुझे नहीं पता था. तो मेरा प्लान ये है कि मैं जल्द से जल्द अपने हेयर डाई कराने वाला हूँ ब्लू कलर में, जो कि मेरा अभी रेड है, तो मैंने फर्स्ट पर्सन कर रहा था. ओके अभी को थर्ड पर्सन में आ चुके हैं, सो अभी चलते हैं. तो हमारे यहाँ पर कपड़े, यहाँ पर अब वार्डरोब, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं क्लोथ्स, जो कि मेरे पास एक ही क्लोथ है, मे बी कहीं लक मिला तो मिल जाए. आउटफिट में क्या है मुझे देखना चाहिए, आउटफिट सेफ्ट वही सड़ा सा है, टी शर्ट में येल्लो वाली है जो कि और सड़ी सी है, टैंक टॉप्स में वाइट टैंक है नहीं चाहिए मुझे, बनियान में, जीन्स में वो, ये जीन्स अच्छी है, मैं बुरी नहीं है, तो मैं ये अभी लेने वाला अभी के लिए. तो मेरे शूज़ इसमें कम दिख रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द चेंज करूँगा, मुझे फिटिंग जीन्स की ज़रूरत है दोस्त, जो कि अभी नहीं है मेरे पास, गरीबी आ चुकी है इसलिए सारे चेक करो, अरे कुछ है कि नहीं, बिल्डिंग खरीद ली है पर कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं पॉकेट में है 0 पैसे, बट औकात है बड़ी वाली. ओके हियर वी गो, तो ये हमारा बेडरूम, यहाँ पर हम सो सकते हैं गेम को प्रोग्रेस करने के लिए, जो भी है मतलब एक तरह से डे से नाइट करने के लिए. ओके दैट इज़ ब्रेकिंग कूल. ओके यहाँ पर देखते हैं, और तो हमारा आई थिंक पूरा एक्सप्लोरेशन हो चुका है, सो यहाँ से बेहतरीन व्यू है, फर्स्ट पर्सन में सब कुछ दिखता है रे देवा, तो मुझे अच्छा लगा. सो ये रहा हमारा आज का प्रॉपर्टी का वीडियो, जिसमें आपने देखा मैंने कैसे परचेस किया और आपको मैंने घुमाया इस जगह का टूर, सब मज़ा आया मुझे घुमा के. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ स्मैश इट लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब BRS Diversions, मिलते हैं अगले एपिसोड में या वीडियो में.